हाय एवरीवन दिस इज वॉनिका आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का अगेन इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है कि क्लाइमेट जिस तरह से हमारा चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो मरीन लाइफ है इक्वेटर के पास वो कूलर वाटर्स की तरफ जा रही है ये क्या स्टडी है इसको हम डिटेल में डिस्कस uh, करेंगे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंट एंड एकोलॉजी के जो लेटेस्ट स्टडी हैं आप इनको अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे हम आज एक ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे विच कैन रियली हेल्प यू टू इन्हैंस योर आंसर एंड गेट मोर मार्क्स इन मेन्स ओके अभी आपका कोई भी डाउट हो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे ही मिलेगा तो डिस्कशन शुरू करते हैं हम अब देखिए ट्रॉपिकल वाटर एट इक्वेटर तो इक्वेटर पे जो ट्रॉपिकल पानी है पूरा जो ओशंस हैं वो किस लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत रिच है आपको बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ वहाँ पे मिलेंगे मरीन लाइफ को लेके यहाँ पे स्पेशली हम मरीन लाइफ की बात कर रहे हैं अर्थ पे, तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको इक्वेटर के पास मिलेगी ट्रॉपिक कल वाटर जो इक्वेटर में है वहाँ पे मिलेगी जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कोरल रीफ्स हैं ट्यूनाज हैं सी टर्टल रेस वेल शार्क्स तो ये जो मरीन स्पीशीज़ हैं तो जिस तरह से अगर अर्थ आप देखें आगे मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी कि जिस तरह से इक्वेटर यहाँ पे आता है तो इक्वेटर पे यहाँ पे ट्रॉपिकल वाटर्स पे आपको सबसे ज्यादा डायवर्सिटी मिलेगी और जैसे जैसे पोल्स की तरफ आते जाएंगे टेपर का मतलब होता है नैरो डाउन तो वो डायवर्सिटी आपकी कम होती जाएगी स्पीशीज की जो रिचनेस है वो कम होती जाएगी तो यही चीज है मरीन स्पीशीज नेचुरली डाय कम होती जाएगी और सबसे ज्यादा आपको इक्वेटर के पास मिलेगी अब आगे चलते हैं ने एक ग्लोबल पैटर्न यहाँ पे देखा है जो कि सेंचुरीज तक बहुत स्टेबल रहा है जिस पैटर्न की मैंने बात की है कि मैक्सिमम बायोडावर्सिटी यू विल फाइन एट इक्वेटर एंड इट विल्स पोल और द साउथ पोल रिमेन स्टेबल फ्रॉम लास्ट रीसेंट मेनी सेंचुरीज़ लेकिन अब रिसेंट स्टडी हमको क्या दिखाती है कि ये जो ओशन के आसपास वाला इक्वेटर वाला नॉट ओशन के आसपास वाला इक्वेटर के आसपास वाला जो ओशन वाला एरिया है ये बहुत गर्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन्स की वजह से इससे स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आ रही है और ये जो स्पीशीज़ हैं इक्वेटर से मूव कर रही हैं किस तरफ जा रही है वो मैं आपको बताऊंगी और ग्लोबल वार्मिंग को इसका पूरा मतलब जिम्मेदार मान लिया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ये सब हो रहा है तो चलिए इसको दूसरे वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल पैटर्न जो अभी तक का था जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो रैपिडली बहुत चेंज हो रहा है अब स्पीशीज़ कूलर वाटर की तरफ जा रही हैं तो जिस तरह से फिर से यहाँ पर मैं अर्थ ड्रा ड्रॉ करती हूँ इक्वेटर है यहाँ पर आपके ट्रॉपिकल वाटर्स हैं अब यहाँ से इनको ऊपर वाली तरफ थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा यहाँ पर वाटर इज कम्पेरेटिवली वार्मर गर्म पानी है अब यहाँ पे पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो स्पीशीज़ जो है किस तरफ़ जाएंगी कूलर वाटर्स की तरफ जाएंगी यानी ट्रॉपिकल और फिर सब ट्रॉपिकल एरियाज़ की तरफ जाएंगी और इससे मरीन इकोसिस्टम्स को बहुत फ़र्क पड़ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ऑब्वियसली इसका रीज़न है लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है कि ये जो स्पीशीज़ हैं जो इन एरियाज़ में पाई जाती हैं जब ये यहाँ से मूव करने लग जाएंगी तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे ह्यूमंस हैं जो मरीन जो स्पीशीज़ हैं उनसे उनका गुजारा चलता है रोजगार चलता है लाइवलीहुड चलता है उस पर इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा और ऑब्वियसली इको और मरीन इको सिस्टम पे तो दिखेगा ही दिखेगा यही चीज़ सेम चीज़ कब हुई थी 250 मिलियन इयर्स अगो जब 90 परसेंट मरीन स्पीशीज़ मर गए थे किसी रीज़न की वजह से वो हम आगे डिटेल में जानेंगे अब इस कर्व की मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बोला था कि एग्जाम में आंसर आप अपना अच्छा कैसे बना सकते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन दे के डायग्राम बना के ग्राफ बना के या स्कीमेटिक प्रोसेस दिखा के अब इस ग्राफ में देखिए बहुत अमेजिंग चीज़ हमको जो हम डिस्कस कर रहे हैं हम ग्राफ में दिखा सकते हैं कैसे ग्लोबल पैटर्न ग्लोबल पैटर्न में आपको बार बार थर्ड टाइम फिर रिपीट कर देती हूँ कि इक्वेटर पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी नीचे पोल्स की तरफ आते आते कम होगी ये स्टेबल पैटर्न था लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चेंज हो रहा है कैसे चेंज हो रहा है पहले हम इसको रीड आउट करते हैं फिर मैं आपको ग्राफ समझाती हूँ ग्लोबल पैटर्न वेयर द नंबर ऑफ स्पीशीज स्टार्ट्स लोअर एट द पोल्स एंड पीक्स एट द इक्वेटर तो इस तरह का ग्राफ जब हमारा बनता है कि पोल पे स्पीशीज आपके कम रहते हैं इक्वेटर पे ज्यादा रहते हैं तो आपका बेल शेप्ड कर्व बनता है जो स्पीशीज की रिचनेस को दिखाता है वी लुक दिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड फॉर नियरली फिफ्टी थाउजेंड मरीन स्पीशीज कलेक्टेड सिंस 1955 एंड फाउंड अ ग्रोइंग डिप ओवर टाइम इन दिस बेल शेप लेकिन यहाँ पे ये स्टडी बोलती है कि हमने पचास हजार मरीन स्पीशीज को कलेक्ट किया 1955 से हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं वो स्टडीज आगे आगे चलती जाती हैं हम मॉनिटर कर रहे हैं और हमको दिख रहा है कि ये जो बेल शेप्ड कर्व बनता है उसमें डिप आ रहा है अब ये डिप मैं आपको दिखाती हूँ किस डिप की बात कर रहे हैं देखिए इस तरफ आपको एक्सेस में दिखेगा स्पीशीज़ रिचनेस ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव हंड्रेड ये स्पीशीज़ रिचनेस है और नीचे वाले एक्सेस पे दे रखा है इन्होंने लैटिट्यूड तो ये इक्वेटर की बात करें अब इक्वेटर पर आप ऊपर जाइए और ग्रीन कलर वाला जो यहाँ पे ग्राफ है ये जो लाइन है ये है 1955 से 1974 पर्पल जो है वो 1975 से 1994 और रेड जो है ये है 1995 से 2015 ओके अब हम 1955 की बात करते हैं कि 1955 पे इक्वेटर के पास कितना स्पीशीज रिचनेस था ठीक है तो देखिए जीरो डिग्री पे आप देखेंगे ग्रीन कलर है ना ग्रीन कलर और यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस ये ये लेवल है स्पीशीज रिचनेस का ऑलमोस्ट आप अगर 3500 इसको हम मान लें इस पॉइंट को लेट्स से 3500 ये स्पीशीज रिचनेस यहाँ पे है फिर 1995 से 1994 के बीच में देखो पर्पल कलर ये पर्पल कलर यहाँ पे आ रहा है दिस पॉइंट यहाँ से हम जा रहे हैं तो देखिए कम हो रही है स्पीशीज कम हो रही हैं ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड अगर इसको ले लें और फिर रेड नाइनटीन नाइनटी फाइव से अब रिसेंट टू थाउजेंड फिफ्टीन तो ये आपका रेड यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे रेड आपका और कम हो रहा है राइट right? तो यानी जो नाइनटीन नाइन्टी फाइव में स्पीशीज रिचनेस इतनी थी फिर ये इतना डिप आया फिर आया तो इस डिप की यहाँ पर बात की जा रही है कि स्पीशीज यहाँ पे इसको okay मैं ये इंक बंद कर देती हूँ तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि हमने यहाँ से मैंने अब इंको नो, इनोटेशन जो है वो मिटा दी हैं। तो जो डिप है वो स्पीशीज रिचनेस में आपको दिखेगा जो हाँ इक्वेटर से स्पीशीज रिचनेस कम होती जा रही है तो ये स्पीशीज़ कहाँ जा रही हैं या तो एक्सटिंक्ट हो रही हैं खत्म हो रही हैं लेकिन जो एक्सटिंक्ट होती हैं उसके बारे में हम न्यूज़ में पढ़ लेते हैं या फिर ये मूव कर रही हैं तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि इक्वेटर पे जब इतनी स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती थी जब यहाँ पे कम होते हो रही हैं तो ये आगे वाले लैटिट्यूड्स में मूव कर रही हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो एरिया है जीरो से फिफ़्टी डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में ग्रीन कलर में सबसे पहले तो यहाँ पे कम स्पीशीज़ थी फिर थोड़ी और ज़्यादा हुई पर्पल कलर में आपको सबसे ज्यादा दिखेंगी तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में स्पीशीज रिचनेस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है तो यहाँ पे जो माइग्रेशन है वो बहुत क्लियर है कि स्पीशीज इक्वेटर से कूलर वाटर्स की तरफ जा रही है तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम में इस चीज को एक्सप्लेन करने में ड्रॉ कर सकते हैं अब आगे चलते हैं ये चीज़ ये आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला मैप भी डाला है पूरा ये जीरो डिग्री है जीरो डिग्री पे देखिए ये आपका जो रीजन है इसको ट्रॉपिकल वाटर बोलेंगे जो इक्वेटर पर ट्रॉपिकल वाटर रहता है अब यहाँ से मूव करके स्पीशीज आपकी इस तरफ जा रही है सब ट्रॉपिक्स में जा रही हैं ओके अब आगे देखिए अब स्पीशीज टेम्परेचर जो उनको सूट करेगा उस तरफ मूव करेंगी ऑल दो देखिए यहाँ पे एक कैच है इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा यहाँ पे यह बोलता है कि जो इक्वेटर पे वार्मिंग हो रही है इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही सिर्फ 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है लास्ट 50 इयर्स में टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है अगर हम हायर लैटिट्यूड्स पे देखेंगे तो उनमें ज़्यादा गर्म हो रहा है। हायर latitudes पे जितना वाटर पहले वार्म था उससे ज़्यादा वार्मिंग हो रही है जो ट्रॉपिकल स्पीशीज़ हैं वो और ज़्यादा मूव करेंगी तो यानी ट्रॉपिकल स्पीशीज़ को तो और ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पे देखते हैं फिर से पीछे वाले स्लाइड पे। ओके सो so, ट्रॉपिकल वाटर्स में 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 50 इयर्स में लेकिन जो ये वाले लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे जो वाटर्स हैं तो यहाँ के जो स्पीशीज़ हैं वो और ऊपर की तरफ जाएंगे, ये वाले इस तरफ आएंगे राइट तो इस तरह से ये पैटर्न माइग्रेशन का होगा और जो इक्वेटर पे स्पीशीज़ हैं उनके लिए फिर भी अडाप्ट करना इजी है क्योंकि टेम्परेचर में उतना कंपैरेटिवली फ़र्क नहीं आया जितना कि ट्रॉपिक्स में आया है ये स्टडी ये चीज़ बोल रही है ट्रॉपिकल स्पीशीज हैव टू मूव फर्दर टू रिमेन देयर इन देयर थर्मल नीच क्योंकि सबका एक थर्मल नीच है कि कितने टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकती हैं अगर हम उनको बाकी स्पीशीज से कंपेयर करें राइट right? अब यहाँ पे टेन मेजर ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ जो हैं उन पे बात की गई है जैसे कि पैलेजिक फिश रीफ फिश मॉलिस्क जो कि पानी में रहते हैं सी फ्लोर पर रहते हैं इनकी रिचनेस भी कम हुई है स्लाइटली इनका जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन हुआ है लैटिट्यूड्स पे, जिसका मतलब क्या है कि वो फर्दर मूव कर रहे हैं तो अगर आज हम स्पीशीज़ रिचनेस देखेंगे तो पहले जब इक्वेटर में सबसे ज़्यादा होती थी लेकिन आज वही स्पीशीज़ रिचनेस नॉर्दर्न हेमस्फेयर में जो लैटिट्यूड्स हैं वहाँ सबसे ज़्यादा है अराउंड थर्टी डिग्री नॉर्थ आपको सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेंगी और अगर हम साउथ में देखेंगे तो 20 डिग्री साउथ आपको सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ रिचनेस है वो मिलेगी सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ रीज़न यहाँ पे हम पिछले वाले समय से कुछ जो इन्फ्रेंस है वो ड्रॉ करेंगे कि 252 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था जब पर्मियन जियोलॉजिकल पीरियड 252 मिलियन ईयर्स अगो ग्लोबल टेम्परेचर इसी तरह से इंक्रीज़ हुए थे दस डिग्री बढ़ गए थे सेल्सियस ओवर थर्टी थाउजेंड टू सिक्सटी थाउजेंड ईयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ़ ग्रीन हाउस गैस एमिशन वॉल्केकिनो इरप्शन सर्बिया में हुई थी उसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ हो गए थे और उसके बाद देखिए जो टू थाउजेंड ट्वेंटी की स्टडी है फॉसल्स की उस समय के जो फॉसल्स हैं वो यही दिखाती है कि बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर पर फ्लैट हुआ कर्व फिर आपका वो स्प्रेड हुआ और रीअरेंजिंग जब ये ग्लोबल बायोडावर्सिटी की हो रही थी तो 90 परसेंट स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई देखिए ऐसा क्यों होता है हर जगह का अपना इकोलॉजिकल सिस्टम है यहाँ का फूड वेब पूरा सेट है कि कौन सा प्रे है उसका प्रीडेटर क्या है जब ये स्पीशीज़ ऊपर मूव मूव करेंगी तो यहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है पूरा उसको डिस्टर्ब करेंगी नए प्रीडेटर्स आ जाएंगे छोटी फिशेस को खा जाएंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो इसी के चलते जो पूरा इम्बैलेंस हो जाता है आपकी मैक्सिमम मरीन स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है तो 252 फिफ्टी टू मिलियन ईयर्स पहले भी यही हुआ उसके बाद एक और इंस्टेंस है हमारे पास वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ईयर्स पहले सिमिलर मूवमेंट रीफ जो कोरल रीफ़ हैं उनकी देखी गई कि वो ट्रॉपिक से दूर जा रहे हैं लेकिन उस टाइम कोई मास एक्सटेंशन जैसा इवेंट नहीं हुआ लेकिन इस तरह का माइग्रेशन जो है वो देखा गया अब नेक्स्ट चलते हैं आज जब हम स्पीशीज़ रिचनेस की बात करें यहाँ पे फोरम्स की एग्जाम्पल दी है फोरम्स टिपिकली हार्ड शेल्ड प्लैंकटॉन्स रहते हैं कीटोन स्पीशीज़ हैं ये एक इकोलॉजी में कितना हेल्दी इकोसिस्टम है उसका इंडिकेटर रहते हैं तो उनमें भी हमको उनका जो पॉपुलेशन है वो ड्रॉप होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि प्लैंक्टॉन फॉर्म्स अ वाइटल पार्ट ऑफ मरीन फूड वेब फूड वेब का एक मेजर पार्ट है और इनका अगर डिक्लाइन डिक्लाइन हो रहा है इनका पॉपुलेशन अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये वो क्लाइमेट चेंज है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है और प्लांटन्स कम होते जा रहे हैं अब नेक्स्ट देखिए इसका क्या मतलब है अगर हमारे स्पीशीज़ ट्रॉपिकल इकोसिस्टम से ख़त्म हो जाएंगे इकोलॉजिकल रिजिलियंस नहीं रहेगा इन्वायरमेंटल चेंजेस आती जाएंगी तो आपका जो इकोसिस्टम है वो पूरा जो है उसमें गड़बड़ हो जाएगी सब ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स भी आपका ख़राब होगा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है स्पीशीज रिचनेस इज़ इंक्रीजिंग कहाँ पे सब ट्रॉपिक्स में क्योंकि इक्वेटर से ट्रॉपिक्स में जा रहे हैं ट्रॉपिक्स से सब ट्रॉपिक्स में जा रहे हैं तो सब ट्रॉपिकल में स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो रही है जिससे क्या होगा सब ट्रॉपिक्स में इन्वेडर्स आएंगे नए प्रीडेटर्स आएंगे और जो प्रिडेटर प्रे इंटरेक्शंस हैं वो टोटली totally चेंज हो जाएंगी नए कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे क्योंकि देखिए नॉर्मल जैसे हम एक फूड चेन पढ़ते हैं कि ग्रास है ग्रास को रैबिट खा रहा है या डियर इस पे फीड कर रहा है डियर पे लायन खा रहा है तो ये एक सेट सिस्टम है एक इकोलॉजी है लेकिन अब डियर अगर कम हो और यहाँ पर बहुत सारे प्रियेटर आ जाएँ इसी डियर को लाइन भी हंट कर रहा है इसी को टाइगर भी हंट कर रहा है लेपेड भी इसके पीछे है ये एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रही हूँ तो डियर्स तो खत्म ही हो जाएंगे पूरा इकोलॉजी खत्म हो जाएगा और एकदम डियर्स खत्म हो गए फिर इनके लिए फूड ही नहीं बचेगा राइट तो यही चीज हो रही है नए इन्वेडर्स आ रहे हैं इंटरक्शन आपकी चेंज हो रही है तो इको पूरा कोलैप्स करने पे है ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इकोसिस्टम सर्विसेज आपकी परमानेंटली जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी फ़ूड सप्लाईज़ ख़त्म हो जाएंगी और इससे लाइवलीहुड को भी फ़र्क पड़ेगा लाइवलीहुड को कैसे फ़र्क पड़ेगा कि सपोज़ कोई स्पीशीज़ ट्रॉपिकल एरियाज़ में हैं ओके okay? ट्रॉपिकल एरियाज़ में कुछ स्पीशीज़ हैं फिशेस की उस पर बहुत सारे फ़िशरमैन डिपेंड करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ की टूरिज्म इन पे चलता है अब जब ये वाले स्पीशीज़ मूव कर जाएंगे तो वो देश क्या करेंगे उनकी इकोनॉमी हिट हो जाएगी मरीन इकोनॉमी उनका जो लाइवलीहुड है लोगों का वो चला जाएगा तो दैट इज़ हैपनिंग कि लाइवलीहुड ह्यूमन लाइवलीहुड्स भी इससे फर्क पड़ रहा है तो एग्जांपल देखा दे रखा है यहाँ पे कि ट्रॉपिकल आइलैंड नेशंस जो हैं उनका रेवेन्यू फिशिंग फ्लीट से आता है और अगर वही चीज़ ख़त्म होगी तो उनकी इकोनॉमी को भी झटका यहाँ पर लगेगा अब इसमें हम क्या कर सकते हैं हमारे हाथ में तो अल्टीमेटली सबसे बड़ी मुसीबत क्या है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से तो हम क्या कर सकते हैं एमिशंस को कम कर सकते हैं एमिशंस को कम कैसे कर सकते हैं कि ठीक है जैसे पेरिस अग्रीमेंट में जो हमारा कमिटमेंट्स है हम उनको फॉलो करें जैसे इंडिया ने कहा भी है कि हम पेरिस अग्रीमेंट के कमिटमेंट को फॉलो करेंगे तो उसी तरीके से आ, हम प्रोटेक्टेड रिजर्व्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं जैसे करेंटली 2.7 परसेंट ओशन है जो कंजर्व्ड है तो ये टारगेट 30 परसेंट तक इन्होंने लिया है तो 30 परसेंट अचीव करना चाहिए ताकि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा पाए ये चीज़ देखा कि 41 नेशंस हैं जो पुश कर रहे हैं नया टारगेट 2.7 से हमारा 30 परसेंट होना चाहिए तो क्लाइमेट चेंज को अगर हम रोकेंगे ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकेंगे जिसके लिए हर देश को स्टेप लेना पड़ेगा तभी हम ये बायोडाइवर्सिटी ये इको को क्लाब्स होने से बचा पाएंगे तो काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर बट आई जस्ट वॉन्टेड यू कि आपको ये अच्छे से समझ आए क्योंकि ये चीज़ क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा हर कंट्री इस टाइम यूएस की भी बात करें वो जोर दे रही है तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और ये चीज़ आप बहुत जगह अलग अलग जगह इनकॉर्पोरेट ये एग्जाम्पल दे के ग्राफ बना के आप बता सकते हैं तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा टाइम लिया आपको अभी भी ना समझ में आया हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाकी आप हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए सारे कोर्सेज़ की जानकारी आपको वहाँ मिलेगी थैंक यू सो मच